नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र स्वामी एसबीसी क्लासेस की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऑनलाइन वीडियोस। मैं आपको इन वीडियोस में राजस्थान जीके की प्रिपरेशन के बारे में ट्रिक्स के द्वारा उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वर्तमान समय कंपटीशन का समय है और कंपटीशन भी काफी हार्ड हो चुका है, तो एग्जाम के लिए अपनी तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से अपना मैटर अधिक से अधिक याद रहेगा, कैसे उनको लंबे समय तक अपने दिमाग के अंदर अपने को स्टोर कर रखना है, उसी सिलसिले में मैं आपके लिए पहला वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जब भी मेरा नया वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं राजस्थान का पहला टॉपिक जो है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, ऐसा राजस्थान में कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर एकीकरण में से क्वेश्चन न आए, और राजस्थान के एकीकरण में से अगर अपना क्वेश्चन कोई गलत होता है तो अन्य स्टूडेंट्स से हम काफी पीछे रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो मित्रों, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। उसके बाद पहले चरण में आई 4 रियासतें ए बी सी और डी। तो दोस्तों, अपने जो हिंदी वर्णमाला है उसका पहला अक्षर प्रारंभ करते हैं ऐसे और अंग्रेजी वर्णमाला क्या करते हैं? ए से। तो एकीकरण की भी शुरुआत कहां से हुई? ए से। ए बी सी और डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। उसके बाद इनके नीचे लगाया मैंने एक एरो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये चरण बन गया तो सीधी सी बात है, कोई भी ग्रुप बनता है उसका कोई ना कोई नाम भी रखा जाता है। इस संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट चरण में राजस्थान के अंदर 9 रियासतें सम्मिलित हुई। वो रियासतें थी बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। फिर से देखते हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। उसके बाद अपने निशान लगाया, यहां पर देखा होगा, आप देख रहे हो प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 4 रियासतें हैं वो इन 9 रियासतों के अंदर सम्मिलित नहीं हुई, वो अपने अलग से उन्होंने अस्तित्व बनाया। इन 9 के अंदर सम्मिलित हुई एक और रियासत, और उस रियासत का नाम था उदयपुर। ठीक है दोस्तों, फिर उदयपुर के अंदर राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें जे 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 और बी, यानी कि ट्रिपल जे बी। फिर से देखते हैं, ट्रिपल जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 रियासतें राजस्थान में सम्मिलित हुई। तो अब राजस्थान में रियासतें कितनी होगी? 9 और 1 10 और 4 14। ये जो 4 रियासतें हैं वो अभी तक अपना अलग से इनका अस्तित्व है। ये जो 4 रियासतें हैं ये राजस्थान में आकर मिली 5वें चरण में। कौन से चरण में? 5वें चरण में। और जब ये 5वें चरण में मिल गई तो इसको लिख दिया 1+4, यानी कि ये जो संघ है ये राजस्थान में मिला है 5वें चरण में आकर। फिर देखो, 6ठे चरण में यहां भी प्लस का निशान है, तो 6ठे चरण में राजस्थान में आकर मिला सिरोही। उसके बाद 7वें चरण में राजस्थान में आकर मिला एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान का था, वो मेरवाड़ा। मेरवाड़ा है अजमेर में। उसके बाद एक प्रांत बचता है, वो है सुनेल टप्पा और ये है माउंट आबू में। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, सिरोही राजस्थान में कौन से चरण में आकर मिला? तो आंसर आएगा 6ठे चरण में। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछे, पूर्ण रूप से
शब्दों पर ध्यान देना, पूर्ण रूप से सिरोही राजस्थान में कौन से चरण में आकर मिला, तो देखो अबू सुनील टप्पा है, ये भी कहां पर है, सिरोही में, तो ये आकर मिला है छठे सॉरी सातवें चरण में, छठे चरण में मिला सिर्फ और सिर्फ सिरोही। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, सात चरणों की बात करते हैं, उसके बाद इनकी संधि याद करनी होती है जो अपने लिए बहुत मुश्किल रहती है। सन तीन है 48, दो है 49, एक 50, एक 56, तो 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56। तो मित्रों अपने को सन लगभग याद हो चुके हैं, तीन चार बार इनको रिवाइज करना, इतने में याद हो जाएंगे। फिर गुरु जी सन तो सारा याद करा दे, महीना याद कर रहे हैं। तो दोस्तों जब अपने राजस्थान में शादी होती है, तो जब व्यक्ति कोई लड़का दूल्हा बनता है, तो उसको दूल्हा बनाने के लिए वहां तक लेकर आते हैं कौन है, उसके मामा जी। ठीक है, मामा जी क्यों लेकर आते हैं, चाचा या ताऊ क्यों नहीं लेकर आता, तो दोस्तों सीधी सी बात है, राजस्थान में एक रिवाज, जो चाचा और ताऊ है वो तो उस समय एक राजस्थान की परंपरा निभा रहे होते हैं रूसने की, तो सारे घर वाले उनको मनाने में लगे रहते हैं, अपनी सामान्य भाषा बोलते हैं उनको शरीक। ठीक है, तो इसीलिए चाचा ताऊ नहीं आता, आता कौन है, मामा। ठीक है, अब मामा क्यों उठाता है, क्योंकि सीधी सी बात है जो भांजा होता है वो मामा की जान होता है, तो भांजा क्या है, मामा की जान, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे MMAMMAJA और N, तो मामा जान, मामा को लिखेंगे माम जान, MMAMMAJA के साथ देखो छोटा ए लगा हुआ है, इसका मतलब जा शब्द है वो एक साथ है, फिर लिखा N, इसको अपने लिखेंगे MMAMMAJA और N। पहले एम से बनेगा मित्रों मार्च, ठीक है, दूसरे एम से भी बनेगा मार्च, ए से बनेगा अप्रैल, एम से बनेगा मार्च, इस एम से बनेगा मई, इससे बनेगा जनवरी और इससे बनेगा नवंबर। ठीक है, पहले एम से मार्च, दूसरे एम से मार्च, ए से अप्रैल, एम से मार्च, इतना याद रखना, लास्ट एम से क्या बनेगा मई, उसके बाद जनवरी और लास्ट में नवंबर। ठीक है, अब रहेगी इनकी तारीख, तो तारीख है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 बार फिर पढ़ेंगे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है दोस्तों, तारीख भी हो गई, महीना भी हो गया और सन भी हो गया। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, उदयपुर की स्थापना कब हुई, उदयपुर शहर की पूछे तो आपको अपने को पता है 1559 में, लेकिन उदयपुर राजस्थान के अंदर सम्मिलित कब हुआ, तो 18 अप्रैल 1948। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कंट्रोवर्शन यहाँ पैदा होता है, राजस्थान में मत्स्य संघ कब बना, 18 मार्च को या एक एग्जाम में आंसर दिया था 17 मार्च को। तो देखो राजस्थान की जो नौवीं किताब है सामाजिक अध्ययन की, उसके अंदर दिया हुआ है 18 मार्च, लेकिन जो विधानसभा पोर्टल है राजस्थान की उसमें दिया हुआ है 17 मार्च, और कहीं पर 17 मार्च नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद अब देखो ना एकीकरण के अंदर रियासतें भी हो गई, सम्मेलन भी हो गया, तारीख भी लग गई, अब उनके संघ का नाम। ठीक है दोस्तों, पहले का नाम रखा मत्स्य संघ, क्योंकि प्राचीन काल में अलवर और जो विराट का हिस्सा है जयपुर का, वहां पर एक जनपद पाया जाता था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। आज भी अगर आप देखोगे तो अलवर जो रोडवेज की बसें हैं उस पर लिखा होता है मत्स्य नगर पगार। ठीक है दोस्तों, इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ रखने का सुझाव दिया था KM मुंशी। फिर दूसरे चरण में इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान कुछ जगह इसका नाम मिलता है राजस्थान है संघ। तो दोस्तों ये राजस्थान संघ है या पूर्व राजस्थान है, ये थोड़े समय बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तीसरे चरण में इसका नाम रखा संयुक्त राजस्थान, क्योंकि पूर्व राजस्थान के अंदर एक और मिली है, मिलने को कहते हैं सम्मिलन होना, संयुक्त होना। फिर देख नेक्स्ट चौथे चरण में इसका नाम रखा गया वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान इसलिए रखा गया, राजस्थान की चार बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चारों आकर मिल गई राजस्थान में, और बड़ी रियासतें थी, बड़े का इकराया बच्चे होता है वृहत, और राजस्थान का नाम रखा गया वृहत राजस्थान। जब वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ आकर मिल गया, यानी कि इन फोर के अंदर वन प्लस हो गया, तो राजस्थान का नाम पड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संयुक्त वृहत राजस्थान में जब सिरोही आकर मिल गया, इसका नाम पड़ा राजस्थान संघ। दोस्तों इस बात को नोटिस करना, यहां पर इसका नाम पड़ा है राजस्थान संघ, यहां पर राजस्थान संघ नहीं था, यहां पर पूर्व राजस्थान ही था। दूसरा प्रूफ देखते हैं, रियासतें देखो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, सारी सारी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो इसका नाम क्या था, पूर्व राजस्थान। फिर उसके बाद लास्ट में इसके राज्य आकर मिला, एक तो मेरवाड़ा, अजमेर जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, एक था सुनहरी टप्पा जो काबू में था, वो इसके अंदर आकर सम्मिलित हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये सम्मिलित हो गया तो इसका नाम रखा गया वर्तमान राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनके संघ बना लिया, स्थापना भी हो गई, अपने बनाएंगे इनकी राजधानी, तो पहले की राजधानी थी अलवर, ठीक है दोस्तों, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, छठे की जयपुर, और आज तक जयपुर। तो जयपुर एक बार राजधानी बन गई, उसके बाद दोबारा राजधानी हटाई नहीं गई, उसी को बनाकर रखा गया। उसके बाद दोस्तों अब जो संघ बन गया, तो सीधी सी बात है, अपने कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उसका किसी ना किसी से रिबन कटवाते हैं, उद्घाटन करते हैं, इन संघों का भी उद्घाटन किया, और उद्घाटन करता थे उन, वो भी एक क्रम में थे, तो पहले चरण का उद्घाटन किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, फिर चौथे का किया, उसके बाद उद्घाटन किसी का नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उद्घाटन करता, यहां मैंने उद्घार लेकर छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, उद्घाटन करता। बच्चा क्लास में बैठा है, ठीक है, गुरु जी अटेंडेंस बोल रहे हैं, बच्चा ने, गुरु जी ने पूछा तूने अटेंडेंस क्यों नहीं बोली, तो गुरु जी को बच्चा क्या कहता है, जी जी सीपी, गुरु जी जी जी, गुरु जी जी देखो सी आई एम प्रेजेंट, गुरु जी सी देखो आई एम प्रेजेंट, तो इस जी से बनेगा गॉड गिव, इस जी से भी बनेगा गॉड गिव, इस सी से बनेगा चाचा नेहरू, और पी से बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो दोस्तों तीन चरण का उद्घाटन करा लिया, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया पटेल जी ने, लेकिन उनको किसी ने पूछा ही नहीं, लास्ट के अंदर चौथे चरण में आकर कहते हैं पटेल जी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप एक काम करो एक चरण का उद्घाटन आप भी कर लो, तो पटेल जी ने उद्घाटन किया चौथे चरण में। देखो बच्चे ने गुरु जी को जवाब दिया जी जी सी पी, गुरु जी देखो सी आई एम प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हूं, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल का पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल, चाचा चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री की, तो पहले चरण के अंदर के था, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में एस। तो मित्रों एक विद्यालय होता है के वी एस, के वी एस, और अपनी तरफ से लगा दिया ए, के ए वी एस, तो सबसे ज्यादा सैलरी कहां होती है जी, के वी एस के विद्यालयों में, थर्ड ग्रेड को भी 60,000 मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या रहेगी, के ए वी एस, के से कुमावत, कुमावत शोभाराम कुमावत, ए से असावा गोकुल भाई असावा, बी से वर्मा माणिक्यलाल वर्मा, एस से
शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। एक बात ध्यान देना मित्रों, हीरा लाल शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं। फिर पांचवें चरण में इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज। छठे चरण के अंदर 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद देश के अंदर एक ही प्रधानमंत्री रहेगा और राज्य में बना दिया गया मुख्यमंत्री। तो इन जो हीरा लाल जी शास्त्री थे, इनको प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर क्या बना दिया गया, शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, हीरा लाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पहला जो चरण था इसके अंदर रियासतों के अंदर एक पद बनाया गया जिसको नाम दिया गया राज प्रमुख। राज प्रमुख को वर्तमान में कहा जाता है राज्यपाल। तो प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को। दूसरे चरण में बनाया गया कोटा के शासक भीम सिंह द्वितीय को। तीसरे चरण में बनाया गया उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को। चौथे चरण में बनाया गया जयपुर के मान सिंह द्वितीय को। अब मान सिंह द्वितीय है, मान सिंह प्रथम नहीं है, क्योंकि प्रथम था अकबर के शासनकाल में। उसके बाद जब हीरा लाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री बने तो इनको शपथ दिलाई थी मान सिंह सैनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही एकीकरण संपन्न हुआ उसके बाद समय, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एकीकरण के दौरान राजस्थान में समय कितना लगा, तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस तरह से अपना वर्तमान का राजस्थान है। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है जो ऊपर दिया गया है, और ताकि अधिक से अधिक कमेंट करो और मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। आपके कमेंट पर ही मैं निर्भर करेगा आगे वीडियो बनाऊं या न बनाऊं। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इसको कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो है आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों, हैव ए नाइस डे, गॉड मे ब्लेस यू। धन्यवाद।